अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हैदर अली और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हैदर अली। आज मैं अपने शहर मलकवाल में हूं और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं खूह है, ये मोले के खूह के नाम से मशहूर है। और जब यहां दरबार शरीफ पर मेला लगता है या उर्स जिसे कह सकते हैं लगता है, तो तब यहाँ पर बैलों की दौड़ भी होती है। ये बहुत पुराना खूह है, पाकिस्तान बनने से पहले का ये खूह है। तो ये आप देखिए, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पार्क रोड कहलाता है, दामने खिजर पार्क की तरफ जाता है। और पार्क के साथ ही दरिया है, दरिया जेहलम के नाम से जो मशहूर है। और ये दरिया पीछे कश्मीर से आ रहा है, अब हम लोग वहाँ जाएंगे। ये अब सूरज गुरूब होने वाला है, तो देखे कितना प्यारा लग रहा है। और ये सरसब्ज हरियाली देखें कितनी है। ये रेत पड़ी हुई है, किसी ने कोई लगता है मकान वगैरह बनवाना है उसके लिए यहाँ पे रखवाई है। ये सरसों का खेत है जी। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं सरसों लगी हुई है, तो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे सरसों का खेत है, फसल लगी हुई है और ये पीछे सरसों लगा हुआ है। तो ये है कि ये आप देख भी सकते हैं, इसका जो सा तेल बनता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करके हम बीज जो निकलता है उसे अपने सर पे लगाते हैं, उसको मशीन में वो डाल के करते हैं, उसका सारा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद जो सा है वो ऑयल निकलता है और वो इस्तेमाल में आता है। ये वो है, ये देख सकते हैं आप, ये येलो कलर का होता है और इसके अंदर बीज भी हैं छोटे छोटे। ये जब जाता है उधर मशीन के अंदर, इसका निकालते हैं बीजों में से रस और फिर वो आगे से उसका ऑयल बनाते हैं जो कि हम लोग बालों में लगाते हैं, और उसके अलावा ये इस्तेमाल होता है और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में। और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये गन्ने का कमाद लगा हुआ है। और ये सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल उधर भी सरसों के जो से लगे हुए फसल लगी हुई है, और साथ ये सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं। ये लोग जा रहे हैं। तो ये पीछे सारी ये जितनी भी है ना, ये सारा सरसों का ही है। इस वक्त मैं दामने खिजर पार्क रोड के ऊपर खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि कितना प्यारा सूरज ग़ुरूब हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। और ये एक बहुत ही प्यारा नज़ारा है। अब हम लोग दामने खिजर पार्क की तरफ चल रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। ये यहाँ पर सफ़ेदा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और अब हम लोग पार्क वाली साइड पे जा रहे हैं, दरिया पे जाएंगे। इस वक्त मैं दामने खिजर पार्क के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं कि ग़ुरूब आफ्ताब का वक़्त है और सूरज ग़ुरूब हो रहा है। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये सामने दामने खिजर पार्क है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब आपको पार्क का नज़ारा करवाते हैं, देखें दामने खिजर पार्क। और फिर पार्क के बाद हम आगे दरिया जेहलम के पास जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे दरिया भी। ये एंट्री वाला एरिया है दामने खिजर पार्क का। तो अब हम दरिया जेहलम की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम लोग दरिया के करीब पहुंचने वाले हैं। और ये आप देखें कितनी प्यारी फसलें लगी हुई हैं, कितना प्यारा नज़ारा है, ये सारे आप देख ही सकते हैं। अब मैं दरिया जेहलम के बिल्कुल पास खड़ा हूँ और अभी आपको दरिया का भी नज़ारा करवाते हैं। ये दरिया
कश्मीर से आ रहा है और पंजाब वाली साइड पे आता है कश्मीर से। और अब तो ये इतना पानी नहीं है यहाँ पर, लेकिन गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी होता है, फिर बारिशें वगैरह होती हैं तो सैलाब वगैरह भी आता है, लेकिन अब इधर पानी कम है। ये मेरे पीछे दरिया जहलम है और ये आप पीछे देख भी सकते हैं, कश्ती खड़ी हुई है। ये मुसाफिरों को जौन सा है जो इधर मलकवाल आते हैं, मलकवाल से जो दूसरी साइड पे जाते हैं तो उन्हें ले कर जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर लोग कश्ती के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पुल वगैरह नहीं बनाया गया, तो ये है कि कश्ती के ज़रिए दूसरी जगह गाँव वगैरह में जाते हैं जो सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं दरिया के दूसरी साइड पर, और अपना सामान वगैरह लेके उधर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से सामान लेके उस जगह पर जाते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब का आपको यहाँ से एक दफ़ा फिर नज़ारा करवाते हैं कि दरिया के पास से कैसा नज़ारा है सूरज के ग़ुरूब होने का, वो भी देखिए। ये एक अलग ही मंज़र है शाम के टाइम का, सूरज ग़ुरूब हो रहा है और ऐसे बहुत प्यारा जो इंसाना मंजर है। अब शाम हो रही है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो अब लोग हम वापस जाएंगे मलकवाल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।